तो दोस्तों जी एंटरटेनमेंट के अंदर आज 10% का लोअर सर्किट लग चुका है, जबकि पहले ही 15 मिनट में अभी 9:30 के आसपास पी शेयर के अंदर लोअर सर्किट लगा है और लोअर सर्किट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके पीछे का दो रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ। पहला रीज़न तो आप सभी को पता ही होगा कि पहला रीज़न ये है कि जी सोनी का जो मर्जर होने वाला था वो NCLT की तरफ से जो डिसीजन आया है उसमें ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट ये जो मर्जर होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है। जी हाँ, 90% समझ लीजिए आप कि 90% चांस है कि ये है कैंसिल हो चुका है। 10% बचा हुआ है, 10% इसलिए बचा हुआ है कि NCLT अगर अपना डिसीजन विड्रॉ करती है तब जाके ये मर्जर होगा। अगर विड्रॉ नहीं करती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि विड्रॉ करने वाली है, ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर के विड्रॉ करेगी अपने डिसीजन को, तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि जी सोनी का जो मर्जर होने था वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है यहां पे। और दूसरा जो रीजन है वो कि आपको पता होना चाहिए कि आज एक्सपायरी है। जी हां, फरवरी मंथ का आज एक्सपायरी है और आज अच्छे खासे शॉर्टर बैठे हुए हैं इस शेयर के ऊपर, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर को पहले ही चल जाता है कि क्या न्यूज आने वाली है, मार्केट में क्या न्यूज आने वाली पहले ही पता चल जाता है। उसका रीजन आप देख सकते हैं चार्ट, क्योंकि चार्ट 225-30 रुपए से लगातार पिछले 4-5 दिन से गिर रहा है। आज अच्छी खासी जैसी न्यूज कंफर्म हुआ है आज, वैसे ही शेयर के अंदर 10% का लोअर सर्किट लग चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 170-175 तक तो ये शेयर जाएगा, ये तो कंफर्म है कि 170-175 तक जैसे शेयर जाएगा, तो वहाँ पे अगर कुछ आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री करने वाले के लिए तो 170-175 बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पर बाई कीजिए ही कीजिए 170-175 के आसपास। दूसरा जो ऑप्शन निकलता है तो वो ये निकल के आता है कि आज FNO का एक्सपायरी है, शॉर्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो लास्ट के आधे एक घंटे में हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग भी आपको देखने को मिल सकती है और नीचे के लेवल से एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आज कुछ मत कीजिए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगा, बहुत ज्यादा हलचल होगा शेयर के अंदर, तो आज आप छोड़ दीजिए शेयर को। हो सकता है कि अंतिम के कुछ घंटों में एक थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिले, फिर कल के दिनों से एक ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो आज आप पैनिक मत होइए, आज छोड़ दीजिए जो भी हो रहा है, क्योंकि FNO का एक्सपायरी है, बहुत अच्छे खासे शॉर्टर इस शेयर के ऊपर लगे पड़े हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज मत कुछ कीजिए, छोड़ दीजिए आज, क्योंकि जी सोनी का जो है वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है, लेकिन शॉर्टर जो है वो इस पे थोड़ा सा हावी होता हुआ आज आपको देखने को मिल सकता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।